वेलकम टू आर्यांश क्लासेस गाइस, मैं हूं प्रियंका और गुड मॉर्निंग करती हूं आप सभी को। 6 सितंबर का लेटेस्ट करंट अफेयर अपडेट है। कल रात की 10 बजे तक की न्यूज़ जो अपडेट हुई, 10 नहीं एक्चुअली 11 ही होगा, 11 बजे तक की जो भी न्यूज़ अपडेट हुई वो सब आपको इसमें मिलेगी, ठीक है। सो जितने भी एग्ज़ाम हैं लाइक जिसमें करंट अफेयर होता है, इसमें मैंशन हमने बैंक को कर रखा है क्योंकि हमको कोई एक ही कैटेगरी मिलती है, पर तो आप इसमें ठीक है और भी एक किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के सुदूर पूर्व के विकास के लिए $1 अरब के ऋण लेने की घोषणा की है, ठीक है। तो क्वेश्चन यह निकलेगा, हाल ही में रूस के सुदूर पूर्व के विकास के लिए कितने अरब डॉलर की राशि देने की घोषणा हुई है, तो $1 अरब की, ठीक है ना। ये कॉन्फ्रेंस के समय की फोटो है पीएम जी की। भारत ने रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र के विकास के लिए $1 अरब ऋण देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिवोस्तोक के 5वें पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत ने अपनी एक्ट ईस्ट नीति में पूर्व एशिया का सक्रियता से विचार किया है। आज की घोषणा से एक्ट फॉर ईस्ट नीति शुरू हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये $1 अरब की जो ऋण की घोषणा की हुई है उससे किस नीति की शुरुआत होगी, एक्ट फॉर ईस्ट, ओके। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, किस नीति की शुरुआत होगी, एक्ट फॉर ईस्ट। ऋण कितना है, $1 अरब किसके लिए है, रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र के लिए, किसने दिया है, भारत ने, और इसकी घोषणा किसने की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कहाँ से, व्लादिवोस्तोक के 5वें पूर्वी आर्थिक मंच से, ठीक है। इसके बाद देखिए, शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस के अवसर पर आज यानी कि कल 5 सितंबर की न्यूज़ है, नई दिल्ली में 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए हैं। अब देखिए, इसमें यहाँ पे टीचर्स के नाम नहीं लिए गए हैं क्योंकि उन्हें किन टीचर्स को चुना जाता है, जिन्होंने प्रतिबद्धता से न केवल स्कूल शिक्षा में सुधार लाया है बल्कि छात्रों के जीवन को भी बेहतर बनाया है, तो ऐसे टीचर्स चुने जाते हैं, तो उनके नाम यहाँ पे नहीं दिए गए थे, कल तक की न्यूज़ में तो अपडेट नहीं थे। तो टोटल अगर इनमें से कोई क्वेश्चन निकलेगा तो कितने शिक्षकों को दिया गया है, तो 46 शिक्षकों को दिया गया है, ठीक है, यही क्वेश्चन निकलेगा इसमें से। उसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिवोस्तोक में इंडो रशियन इनोवेशन ब्रिज ऑनलाइन मंच की शुभारंभ करी है। देखिए, काफ़ी सारे समझौते भी हुए हैं, लगभग परसों के तक तो 13 समझौते थे, पर कल की जो न्यूज़ थी उसमें 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हुए दिखाए जा रहे थे। तो जो इसमें रूस की यात्रा के दौरान जो काफ़ी सारे इसमें वो हुए, तो एक 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 जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो मैंने ले ली है, और जो समझौते थे उनका डिटेल ऑलरेडी कल के वीडियो में अपलोड है, तो उस न्यूज़ को आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिवोस्तोक में इंडो रशियन इनोवेशन ब्रिज ऑनलाइन मंच का शुभारंभ किया है। किस मंच का शुभारंभ किया गया है, इंडो रशियन इनोवेशन ब्रिज ऑनलाइन, ठीक है। डिटेल क्या है अब इसकी, रूस और भारत के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आज व्लादिवोस्तोक में इंडो रशियन इनोवेशन ब्रिज के नाम से ऑनलाइन मंच का शुभारंभ किया गया है। ये मंच भारत और रूस के बीच स्टार्टअप के क्षेत्र को अंतर कम करने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अंतर्राष्ट्रीय जिगोरो कानो जूडो प्रतियोगिता भी देखा। अब देखिए, दो चीज़ें निकल गई, मंच का नाम क्या हो गया, इंडो रशियन इनोवेशन ब्रिज का शुभारंभ किया गया है भारत और रूस की यात्रा के दौरान, ठीक है, जो 5वां मंच था उसमें ये इसका शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा वहाँ पे कौन सी प्रतियोगिता देखने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अंतर्राष्ट्रीय जिगोरो कानो जूडो प्रतियोगिता, ठीक है। ये क्या है प्रतियोगिता, रूस के राष्ट्रपति और जापान के प्रधानमंत्री के संरक्षण में प्रतिवर्ष होने वाली प्रतियोगिता है, जिसमें रूस, जापान, चीन, कोरिया, मंगोलिया और भारत के 18 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, प्रतियोगिता में कितने वर्ष के खिलाड़ी भाग लेते हैं, तो 18 वर्ष से कम के देश कौन से हैं, रूस, जापान, चीन, कोरिया, मंगोलिया और भारत है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, बांग्लादेश के प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को लैम्प ऑफ पीस ऑफ सेंट फ्रांसिस से नवाजा गया है। तो बांग्लादेश के प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को, अब देखिए ये नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं, तो ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है, बांग्लादेश के प्रोफेसर हैं
मोहम्मद यूनुफ। इन्हें शांति और सद्भाव की स्थापना के लिए लैम्प ऑफ पीस ऑफ सेंट फ्रांसिस से नवाजा गया है। ये पुरस्कार शांति और बातचीत को बढ़ावा देने के विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब इसका समारोह कब हुआ? मंगलवार को हुआ, मतलब ठीक है, तो इटली में हुआ। ठीक है, डेट ऑलमोस्ट नहीं पूछी जाएगी, कहाँ हुआ पूछा जा सकता है, तो इटली में हुआ। इटली में ऐतिहासिक पापल बेसिलिका ऑफ असीसी में हुआ। ठीक है, पूरा याद रखिएगा, ठीक है ना, इटली में ऐतिहासिक पापल बेसिलिका ऑफ असीसी में हुआ। लैम्प ऑफ पीस पुरस्कार पहली बार 1981 में पोलैंड के मजदूर संघ के नेता वालेसा को दिया गया था। पुरस्कार सम्मानित में जो मेन जो फेमस लोग हैं वो कौन है? दलाई लामा है, मिखाइल गोर्बोचेव है और अंगेला मर्केल, ये लोग भी लैम्प ऑफ पीस से सम्मानित हो चुके हैं। इसके बाद देखिए, फीफा विश्व कप 2022 के लिए लोगो तैयार किया गया है। ये लोगों की इमेज दिख रही है, लोगो किससे प्रेरित होकर कैसे बनाया गया है देखिए, कतर फीफा विश्व कप 2022। अब देखिए, इस टाइटल से पता पड़ रहा है कि 2022 का फीफा विश्व कप कहाँ होगा? कतर में होगा। ठीक है, फीफा ने आधिकारिक लोगो तैयार किया है। ये लोगो क्या है? एक वक्र है जो कि रेगिस्तान के टीले, रेगिस्तान के टीले कुछ इस तरीके से होते हैं, तो इन्हें ये शो कर रहा है इसे। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये आठ को भी शो कर रहा है और ये अनंत का सिंबल, लेट मी शो यू, जो अनंत का सिंबल, इसको बोलते हैं अनंत, मतलब जिसकी कोई गिनती नहीं है, तो ये उसको भी शो कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया, अखंड कुंडली संख्या आठ और अनंत के चिन्ह दोनों को ये दर्शाती है। ठीक है, अब क्या है इसका, संख्या आठ स्टेडियम की संख्या को दर्शा रही है। एट से आपको क्या पता पड़ेगा, आठ स्टेडियम है टोटल जो फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे। ओके, जबकि अनंत का चिन्ह इस आयोजन के परस्पर संबंध प्रकृति को दर्शाता है। 2022 फीफा विश्व कप का 22वां संस्करण है जो कि 21 से 18 दिसंबर तक कतर में आयोजित होगा। ठीक है ना, 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक कतर, किसी अरब देश और मुस्लिम बहुल देश में आयोजित होने वाला पहला विश्व कप है। ठीक है, कतर एक मुस्लिम देश है, तो ये पहला विश्व कप है जो कि किसी मुस्लिम देश में आयोजित हो रहा है। वैष्णो देवी श्राइन स्वच्छ प्रतिष्ठानों की सूची में शामिल किया गया है। स्वच्छता में समग्र सुधार के आधार पर जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन को स्वच्छ प्रतिष्ठानों के स्थान में सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान घोषित किया गया है। यह सूची जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा जारी हुई है 6 सितंबर 2019 को स्वच्छ महोत्सव के दौरान। ठीक है, इसके अलावा ये और भी दे रखे हैं, इनको भी आप पढ़ लीजिएगा। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया है, टीचर्स डे मनाया गया है। शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर 5 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। शिक्षक दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। राधाकृष्णन पहली बार भारत के उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति। ओके, शिक्षा दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रेरणा ऐप भी लॉन्च किया है। तो ये प्रेरणा ऐप की डिटेल ऑलरेडी मैंने पहले काफ़ी समय पहले ही बता दी, लगभग 10 दिन पहले ही बता दी थी, क्योंकि उस टाइम वो प्रोसेस चल रहा था। अब इसकी लॉन्च जो है वो की जा चुकी है। ओके, साइबर अपराध जाँच CBI के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ठीक है, साइबर अपराध जांच CBI के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन, CBI के निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला हैं। इन्होंने दिल्ली में CBI मुख्यालय में साइबर अपराध जांच और साइबर फॉरेंसिक पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। 2 दिवसीय सम्मेलन है और आदेश पत्र ये है कि अंतरजातीय, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय जटिलता वाले अपराधों की इसमें जाँच होगी। श्री कुमार शुक्ला के अनुसार साइबर क्राइम कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए अद्वितीय चुनौती है। ऐसे अपराध जटिल होते हैं, इन्हें पहचान के लिए विशेष कौशल और फॉरेंसिक की आवश्यकता है। अब देखिए इसमें क्या होगा, विभिन्न राज्यों के पुलिस कानून प्रवर्तन एजेंसी के अनुभव सीखने से अच्छे अभ्यासों को साझा को एक मंच मिल जाएगा। निपटने के लिए इसमें DGP, ADGP और SP सहित लगभग 50 अधिकारी सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमेरिका और 10 आसियान देशों की नौसेनाओं ने दक्षिण पूर्व एशिया में पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। ठीक है, अमेरिका और 10 आसियान देशों ने दक्षिण पूर्व एशिया में पहला सैन्य संयुक्त अभ्यास शुरू किया है। अमेरिका और 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने थाईलैंड में सट्टे हिप नेवल बेस पर, देखिए जगह बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पूछ ली जाती है, थाईलैंड में सट्टे हिप नेवल बेस पर सिंगापुर में समाप्त होने वाले समुद्र अभ्यास का शुभारंभ किया है। 2 से 6 सितंबर, मतलब आज ये खत्म हो जाएगा।
एक संयुक्त अभ्यास के हिस्से के रूप में 8 युद्धपोत, 4 विमान, 1,000 से अधिक कर्मियों में के साथ चरम बिंदु दक्षिण चीन सागर में विस्तारित है। यह अभ्यास इस क्षेत्र में अमेरिका में शामिल होने और दक्षिण चीन सागर में बीजिंग दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच तनाव के समय में आयोजित हुआ है। अभ्यास में 7 देशों के 8 युद्धपोत, 4 विमान शामिल हैं, जिसने ब्रूनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, अमेरिका सहित 11 प्रतिभागियों के 1,000 से अधिक सैनिक शामिल हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी डिटेल है इसमें, अच्छे से दोबारा पढ़िएगा इन्हें। उसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है, युद्ध अभ्यास 2019 इसका नाम है। अमेरिका के वॉशिंगटन में स्थित जॉइंट बेस लुइस मैककॉर्ड 5 से 18 सितंबर तक चलेगा, इसका आयोजन हुआ है। युद्ध अभ्यास 2019 दोनों देशों के सशस्त्र बलों को ब्रिगेड स्तर पर संयुक्त सेनाओं संयुक्त योजना के साथ बटालियन स्तर पर एकीकृत तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। दोनों देशों के बीच में वैकल्पिक रूप से आयोजित संयुक्त अभ्यास का 15वां संस्करण ये है। ठीक है, भारत अमेरिका का युद्ध अभ्यास 2019 5 से 18 सितंबर तक होगा, वॉशिंगटन में जॉइंट बेस लुइस मैककार्ड में आयोजित होगा और ये 15वां संस्करण है। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच सबसे बड़े संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग के प्रयासों में से एक है। एशिया का एकमात्र 5वीं पीढ़ी का VR आधारित सिम्युलेटर सेंटर AASI द्वारा चेन्नई में शुरू किया गया है। एशिया में पहली बार 5वीं पीढ़ी का वर्चुअल रियलिटी आधारित एडवांस्ड ड्राइवर ट्रेनिंग सिम्युलेटर सेंटर यानी कि ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ सर्दर्न इंडिया सेंटर AASI पूरा नाम इसका है, चेन्नई में इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, AASI को कहाँ लॉन्च किया गया है, चेन्नई में लॉन्च किया गया है। क्या है ये, एडवांस ड्राइवर ट्रेनिंग सिम्युलेटर सेंटर। सेफ ड्राइविंग कैंपेन के तहत AASI पहले 6 महीने 2000 एम्बुलेंस ड्राइवरों को निःशुल्क प्रशिक्षण देगा। पेटेंट सिम्युलेटर को चेन्नई स्थित रेड चैरियट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। प्रशिक्षण सत्र संस्थान में निर्मित एक संवादात्मक ई लर्निंग क्विज ऐप के माध्यम से स्व शिक्षण सिद्धांत मॉड्यूल के साथ चरण आधारित व्यावहारिक शिक्षण मॉड्यूल संयोजन करेगा। हॉकी FIH प्रो लीग सीजन 2 का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। ठीक है, इसमें नीदरलैंड की महिला टीमों के बीच में 11 जून को होगा, चीन और नीदरलैंड के बीच में 11 जून को। तो देखिए ये सब तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डिटेल इम्पोर्टेंट क्या है, दो का सीजन 2 का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है और ये उसका फंक्शन है। ओके, पूछ लिया जा सकता है वैसे भी, इसका नोट जो है वो बता देती हूँ आपको। पुरुषों की FIH प्रो लीग अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH द्वारा आयोजित की जाने वाली पुरुषों की अंतर्राष्ट्रीय फील्ड हॉकी प्रतियोगिता जो पुरुषों की FIH हॉकी विश्व लोग लीग के स्थान पर आयोजित होगी। ठीक है ना, अफगानिस्तान के रशीद खान टेस्ट क्रिकेट में अब तक के सबसे युवा कप्तान बन गए हैं, ये इनका जो डेटा है वो दे रखा है। ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जा सकता है, पर क्योंकि मेरा 15 मिनट का टारगेट खत्म होने वाला है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता रही हूँ। ठीक है, अफगानिस्तान के स्पिन गेंदबाज हैं ये रशीद खान, 20 वर्ष 350 दिन का इनका जो है वो रहा, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, जो इन्होंने खेला जो है मतलब। ठीक है ना, चटगांव के जहूर अहमद स्टेडियम चौधरी स्टेडियम में सबसे युवा टेस्ट कप्तान बन गए हैं ये रशीद के। जिम्बाब्वे में पूर्व कप्तान टेंडेडा ताइबू 20 वर्ष 358 दिन के पिछले रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा है, मात्र 8 दिन के रिकॉर्ड से इन्होंने इसको तोड़ा है। ताइबू अपने 21वें जन्मदिन पर 7 दिन पूर्व 6 मई 2004 में 2004 हरारे श्रीलंका के खिलाफ अपनी टीम की कप्तानी की थी। ओके, और इसके अलावा देखिए बियांका एंड्रेस्कू 1 दशक में US ओपन सेमीफाइनल में पहली किशोर खिलाड़ी बन गई हैं। कनाडा की किशोर उम्र की खिलाड़ी बियांका एंड्रयूज 19 वर्षीय हैं, 1 दशक में US ओपन सेमीफाइनल में पहली किशोर खिलाड़ी बनी है। उन्होंने बेल्जियम में एलिस मार्केट को हराया है, मर्टेंस को हराया है, इंपॉर्टेंट यही है किसे हराया, एलिस मर्टेंस को हराया, 19 वर्षीय हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो को नहीं खींचती हूँ। ओके, सो थैंक यू एंड बाय फॉर नाउ।